नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज केदारनाथ धाम पहुंचे। सीएम धामी के स्वागत में पहले से मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही देवस्थम बोर्ड के कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। धाम में पहुंचते ही पहले बाबा केदारनाथ के दर्शन किए, जिसके बाद पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेने गए। नैनीताल हाई कोर्ट में आज चार धाम यात्रा को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद चार धाम के दर्शन करने की अनुमति सभी श्रद्धालुओं को दे दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी श्रद्धालु कोविड के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। बता दें, यात्रा के दौरान कोविड के नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रेस वार्ता कर चार धाम आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए चार धाम के लिए जारी की एसओपी का पूरा पालन करें। उन्होंने कहा कि यात्रा को लेकर जो भी दिक्कतें हैं उन्हें जल्द दूर करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 30 अक्टूबर तक श्री शंकराचार्य जी की समाधि का काम पूरा हो जाएगा। नैनीताल हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा को पूर्ण रूप से खोल दिया है। इसके अलावा ई पास की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया है। यात्रा को पूर्ण रूप से खोलने के बाद व्यापारियों ने न्यायालय के एक फैसले का स्वागत करते हुए जश्न मनाया। साथ ही आतिशबाजी करते हुए मिष्ठान वितरण किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड आ सकते हैं। उनके दौरे को लेकर कांग्रेस ने उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री मोदी अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान केदारनाथ जाते हैं तो उन्हें वहां पर सबसे पहले लखीमपुर घटना पर प्रायश्चित करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के दर्शन के लिए आने में स्वागत है। वो मनोती के रूप में केदारनाथ आना चाहते हैं। बड़ा सौभाग्य हम पूरे उत्तराखंड के लोगों का कि भाई हमारे चार धामों में से एक धाम वो केदारनाथ आ रहे हैं। लेकिन केदारनाथ में आकर वो प्रायश्चित करें भगवान के सामने कि मेरे रहते हुए हमारे नेताओं ने गाड़ियों के नीचे इस भारत के तमाम उन लोगों को कुचला जो भारत के भाग्य विधाता हैं, किसान हैं, उन लोगों को कुचला। वो भगवान केदारनाथ के सामने बैठकर प्रायश्चित करेंगे। मैं ऐसी भी उनसे मांग करता हूं। यूपी में लखीमपुर हिंसा के विरोध में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गणेश गोदियाल के नेतृत्व में राजीव गांधी की प्रतिमा के सामने एक घंटे का सांकेतिक उपवास रखा। इस दौरान कांग्रेसजनों ने सांकेतिक उपवास के बाद रघुपति राघव राजा राम भजन गाकर सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। किसानों की बात नहीं, इस सरकार ने चाहे केंद्र हो, राज्य हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, इस सरकार इन सरकारों ने हर तबके को निराश किया है। किसानों के साथ तो ये जघन्य अपराध किए। अब तक हजार की संख्या करीब करीब छूने को है। इतने किसानों ने इनके प्राणों का उत्सर्जन हो चुका है इस आंदोलन में, और उसके बावजूद सरकार अपने तानाशाही रवैये पर अडिग है कि हम उस कानून को नहीं छेड़ेंगे। जिस वर्ग के लिए आप कानून बना रहे हैं वो वर्ग कहता है कि इससे हमारा अहित है, ये कानून हमें नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद कानून बना रहे हैं और वो कानून थोप रहे हैं उन किसानों के ऊपर। तो क्या आपको नहीं लगता कि अंग्रेजों की याद आ गई है कि अंग्रेजों के सामने कोई प्रश्न नहीं कर सकता था कि आप ये कानून क्यों बना रहे हैं? ये वो भी तानाशाह थे और ये भी तानाशाह हैं। ये संबंध दर्शाता है कि अतीत में इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के दौरान इनके राजनीतिक पूर्वजों ने अंग्रेजों को किस प्रकार से सहयोग दिया और उसी की परिणति अब इनके चरित्र में परिलक्षित हो रही है। केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत पुनर्निर्माण कार्य हो रहे हैं। केदारनाथ धाम में बनाया जा रहा अधिगुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल इसी महीने के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से समाधि स्थल में स्थापित करने के लिए शंकराचार्य की मूर्ति भी कर्नाटक से केदारनाथ पहुंच चुकी है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन की कल से होने जा रही हड़ताल से आम लोगों को परेशानी हो सकती है। बार बार की हड़ताल के चलते लंबे समय तक बिजली की कटौती हो रही है। हालांकि हड़ताल के कारण लोगों को परेशानियों ना होने से लेकर जिला प्रशासन तैयारी कर रही है। प्रसिद्ध महेश्वर धाम में भारी बारिश होने से अफरा तफरी का माहौल है। मंदिर में रह रहे लोग इधर उधर सुरक्षित स्थानों पर भाग रहे हैं। आज देहरादून में कई संगठनों व कर्मचारियों ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। सचिवालय कूच के दौरान पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। प्रदेश भर में पहुंचे कर्मचारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मियों की मांग को पूरा करने के लिए वित्त विभाग आर्थिक स्थिति खराब होने का बहाना करता है। बाकी अपडेट के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।